रमशा, रमशा हाय। हाँ, आप यहाँ कैसे? वो बस मैं कुछ अपने लिए लेने आई थी। हॉस्पिटल से टाइम नहीं मिलता ना, तो आज थोड़ा टाइम मिला तो सोचा शॉपिंग कर लूँ। अब चले, मैं आपको कॉफी पिलाती हूँ। आई एम सो सॉरी रूही, मैं बोलो प्लीज प्लीज डोंट से नो। ना, मैं बहुत थक गई हूँ। आई इंसिस्ट, प्लीज हम कॉफी पीते हैं मेरी तरफ से, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। और प्रैक्टिस कैसी चल रही है आपकी? प्रैक्टिस वैसे ही जिस तरह होती है। एक्चुअली आजकल मैं काफ़ी बिजी हूँ। फ्लू और फीवर फैला है ना, हर कोई बीमार है, तो ओपीडी इतनी भरी हुई होती है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए। कितना काम करती हैं आप, फिर भी ये खूबसूरती कैसे मैनेज कर रही? घर में सब ठीक है? हाँ, घर में सब ठीक है। मिस करते हैं सब आपको। बीजान तो हर वक्त आपकी बातें करती रहती है, और आपके दुल्हन रिया बहुत मिस करते हैं आपको। बस अब आप दोनों की शादी हो जानी चाहिए। अब घर में आए आप, ताकि घर के लोग ज्यादा खुश हों। अच्छा, क्या वाकई रोहिल मुझे इतना मिस करते हैं? बिल्कुल, बहुत। मंगनी को 1 साल हो गया ना आप लोगों के, काफी टाइम हो गया। आप अब शादी हो जानी चाहिए। 1 साल नहीं हुआ, 1.5 साल हुआ है। एक बात पूछूं मैं आपसे, आपको मेरी और रवील की शादी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप दोनों की शादी हो जाए दिल से। मुझे लगता है इंटरेस्ट के साथ साथ आपको मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र दिया। मैं रवील पे बहुत ट्रस्ट करती थी, और शायद करती भी हूँ, मगर मुझे लगता नहीं है कि मैं ट्रस्ट मजीद और कर पाऊँ, क्योंकि उस ट्रस्ट के बीच में तो आप आ गए हैं। जो कुछ मैं देख रही हूँ ना, वो मेरे लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बीजान का रवैया आपके साथ, और जो बड़े अब्बा का बिहेवियर है आपके साथ, और खास तौर पे मेरे होने वाले हस्बैंड सुहेल का बिहेवियर आपके साथ, कुछ अजीब है। ये दोस्ती से आगे की चीज़ है। मैं कोई कंजर्वेटिव लड़की नहीं, ना ही मैं कोई अनएजुकेटेड लड़की। आई डू नॉट माइंड अगर रोहिन किसी लड़की से दोस्ती करना चाहे, लेकिन बात जारी रह जाइए। आप ही मुझे बताएं, मैं कैसे ट्रस्ट करूं? बहुत गलत सोच रही है। टोटल हेल्थ